हाँ, अहम 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 क्रतुः 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 अहम 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 यज्ञः 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 स्वधा यज्ञः स्वधा 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 अहम् अहम अहम् अहम औषधम् औषधम औषधम्। तो औषधम क्रतुः और अहम् में जो अधोरेखांकित है वहां पर जो है वो संधि बनती है क्रतुरहम्। क्रतुरहम और स्वधा अहम् अहम् औषधम् में स्वधा अहम् अहम् औषधम्। स्वतः हम स्वधा अहम् औषधम औषधम्। मंत्र मंत्र मंत्रः अहम् 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 एव देव एव देव आज्यम् अज्यम आज्यम्। अच्छ्यम इन सारे शब्दों का एक संधियुक्त शब्द बनता है मंत्रो हम हमेवाज्यम् मंत्रो हम हमें वाज्यम अहम् अहम अहम् अहम अग्निः अग्निहि अग्निः अग्निहि अहम् अहम् अहम अहम् अहम हुतम् हुतम हुतम्। हुतम संधि बनता है अहम् अग्निर् अहम् हुतम् अहम अग्नि अहम पूरा हुतम श्लोक एक एक पाद के साथ गाइए। अहम् क्रतुरहम् यज्ञः अहम कृतरहम स्वदाहम् यज्ञम अहम् औषधम् सदाहम हम मंत्रोहम् औषधम अहमेवाज्यम् मंत्रोहम हमेवाज्यम अहमग्निरहम् हुतम् अहम अहम्। अग्निर्हुतम दिव्य कृष्ण यस प्रभु हाँ आप बोलिए। अहम् क्रतुरहम् यज्ञः अहम करतोरहम यज्ञः स्वदाहम् अहम् औषधम् औषधम मंत्रोहम् अहमेवाज्यम् मंत्रोहम अहमग्निरहम् हुतम्। हम अग्निरहम आगे चलते हैं, फिर दूसरा श्लोक हम लोग बाद में करेंगे, पहले इस श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं इसका अन्वय के साथ। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर आठ चीजें, 8 बार अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अहम मतलब मैं, तो ये आठ कौन सी है उनका वर्णन यहाँ पर विश्लेषण जो है वो किया गया है। अहम् क्रतुः, क्रतु मैं हूँ। दूसरा है यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधम मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, आज्य मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हुतम भी मैं हूँ। तो इन सब ये जो है, ये जो सारे आठ के आठ जो चीजें भगवान बताते हैं वो कौन सी है ये हम लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम क्रतुः, क्रतुः का अर्थ क्या होता है, जो वेदों में अथवा श्रुति में वर्णित होता है वह क्रतु होता है। उदाहरण दिया गया है जैसे अग्निष्टोम यज्ञ आदि। तो जो वेद या श्रुति में जो वर्णन किया जाता है उसे क्रतु कहते हैं। वो यज्ञ ही होता है लेकिन उसका नाम क्रतु होता है। और जो पुराणों में या स्मृति में वर्णन होता है उसे यज्ञ कहते हैं, जैसे पंच महायज्ञ उदाहरण के तौर पे बताया जाता है, पंच महायज्ञ आदि। तो जो श्रुति या वेदों में वर्णन किया गया है वो है क्रतु, पुराणों में या स्मृति में जो वर्णन किया जाता है वो है यज्ञ। तो एक है क्रतु, एक है यज्ञ। तो भगवान कहते हैं कि हम जो चर्चा कर रहे कि भगवान कैसे विश्वात्मा के रूप में है, तो भगवान कहते हैं कि ये मैं ही हूं। आगे बताते हैं स्वधा, केवल
यज्ञ के बारे में भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं अभी। तो पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्वधा। तो भगवान कहते हैं कि वह स्वधा भी मैं ही हूं। चौथा चीज बताते हैं औषधम। तो जो क्रतु और यज्ञ हमने देखे और स्वधा भी देखा, उनके लिए आवश्यक जो शाकल्य अर्थात वनस्पतियां हैं, बूटियां हैं, तिल, जौ आदि, वो औषध कहे जाते हैं। ये औषध का अर्थ जो हम लोग बीमार होने के बाद जो औषध लेते हैं वो औषध नहीं है। तो यहाँ पर जो यज्ञ करने के लिए जो जड़ी बूटियां, तिल, जो जब हम स्वाहा करते जो डालते हैं उसे जो है वो औषध हम कहा जाता है। पांचवा है मंत्र। तो जिससे कृतु यज्ञ और स्वधा किए जाते हैं वो है मंत्र। मंत्रोच्चारण तो किया जाता है ना, जैसे इदम ब्रह्मणे इदम नमम, ऐसे अलग अलग कई सारे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। भगवान कहते हैं कि वो मंत्र भी मैं हूँ। और आज्यम मतलब यज्ञ आदि के लिए जो गो घृत आवश्यक होता है उसे आज्य कहते हैं। हमें बताया जब यज्ञ होता है तो घी की आवश्यकता होती है, शुद्ध गाय का घी। तो भगवान कहते हैं कि जो गाय का घी वो भी मैं ही हूँ। और अग्नि, तो आह्वनीय अग्नि जिसमें होम किया जाता है भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। तो ये अग्नि भी भगवान ही है। और आठवां आखिर में हुतम। हुतम का अर्थ होता है हवन करने की क्रिया। तो हवन करने की क्रिया भी जो है वो भगवान ही है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला श्लोक, 16वां श्लोक। बिल्कुल आसान है, आठ चीजें और वो सारी की सारी यज्ञ के बारे में बताया गया है। तो यज्ञ भी मैं हूँ, उसमें डालने वाली आहुति भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, और हवन करने की प्रक्रिया भी मैं हूँ। तो सब कुछ मैं ही हूँ, वासुदेव सर्वम, इस प्रकार से जो है वो दृष्टि यह है। विश्वतो मुखम, या भगवान कैसे विश्वात्मा है उसके बारे में वर्णन। अभी हम अगला श्लोक देखते हैं, 17वां श्लोक। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेव च। तो एक एक शब्द दोहराएंगे। कौन दोहराएगा? यस, स्पष्ट। पिता 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 अहम 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 अस्य 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 संधियुक्त शब्द बनता है पिताहमस्य पिताहमस्य जगतः 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 माता 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 संधियुक्त विसर्ग का ओ बन जाता है जगतो माता जगतो माता आता माता धाता धाता पितामह 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 वेद्यम 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 पवित्रम 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 ओंकारः 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 रुक 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 साम 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 यजुरेव च यजुरेव च यजुरेव च यजुरेव च ओंकार और रुक, इसमें भी संधि होती है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ओंकार रुक्साम ऐसे बनता है। पुरुष लोग बोलेंगे एक एक पाद। पिताहमस्य जगतो पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकार वेद्यं पवित्र ओंकार
रुक्षाम यजुरेव च और कोई दोहराएगा मुझे मैं बोलूं हाँ बोलिए माता जी पिता हमस्य जगतो पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकार वेद्यं पवित्रम ओंकार रुक्षामा यजुरेवच रुक्षामा यजुरेवसा यजुरेवच यजुरेवच हरे कृष्ण धन्यवाद। तो इसका अनुवाद देखते हैं हम लोग। इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण आठ चीजें बता रहे हैं और ये आठ चीजें सर्वप्रथम हमारे संबंध के बारे में बताते हैं और उसके पश्चात कोई अन्य अन्य चीजों के बारे में बताते हैं। तो अहम अस्य जगतः मतलब भगवान कहते हैं कि मैं अहम मतलब मैं अस्य जगतः मतलब इस जगत का मैं इस जगत का क्या हूं। तो पहली पंक्ति में चार शब्दों का प्रयोग करते हैं भगवान पिता माता धाता और पितामह। मैं इस जगत का पिता हूँ माता हूँ धाता हूँ धाता यानी धारण करने वाला और पितामह। पितामह का अर्थ होता है पिताजी के पिताजी मतलब दादा तो दादा भी हूँ और अहम एव और मैं ही हूँ क्या हूँ मैं वेद्यम पवित्रम ओंकार और रुक्षाम यजुः च। तो ये क्या है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आप म्यूट में ही रहिए ताकि बाधा ना हो जब भी पूछा जाए तब आप अनम्यूट कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम शिक्षा इस श्लोक में भगवान दे रहे हैं कि अहम अस्य जगतः पिता पिता हम अस्य जगतः इस जगत का मैं पिता हूँ। अभी पिता है तो दो चीजें इसमें हम लोग देख सकते हैं। सर्वप्रथम क्या है कि इस जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि संपूर्ण संसार को भगवान ही उत्पन्न करते हैं इसलिए मैं पिता है। तो जो जन्म देते हैं उत्पन्न करते हैं वो है पिता। लेकिन केवल इतना ही नहीं पिता में अपने पुत्र के प्रति प्रेम भी होता है। तो दूसरा मुद्दा इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि श्री कृष्ण के अंदर सभी जीवों के प्रति पिता का स्नेह है। इसलिए यद्यपि इस भौतिक संसार के जीवों ने श्री कृष्ण की सेवा का त्याग कर दिया है परंतु फिर भी पिता होने के कारण श्री कृष्ण पिता के स्नेहवश सभी जीवों का पालन करते हैं। किंतु जिस प्रकार पिता यद्यपि अपने सभी पुत्रों पर स्नेह रखता है परंतु जो पुत्र उसकी आज्ञा का पालन करते हैं उन पुत्रों पर वह विशेष स्नेह रखता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी यद्यपि सभी जीवों का पालन करते हैं परंतु जो जीव कृष्ण के भक्त होते हैं उन पर श्री कृष्ण विशेष स्नेह रखते हैं, है कि नहीं। तो पिता के दो परिभाषा हम लोग देख रहे हैं। सर्वप्रथम परिभाषा थी कि सब चीज स्थावर जंगम जड़ चेतन जो भी है उनको उत्पन्न करते हैं इसलिए पिता। और दूसरा इसमें भी दो मुद्दे आए गए हैं। सर्वप्रथम पिता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह होता है उसी प्रकार से भगवान का अपने पुत्रों के प्रति यानी उनके जीवात्माओं के प्रति प्रेम है स्नेह है। और इसमें भी अगला मुद्दा यह है आता है कि हालांकि पिता का स्नेह अपने सारे पुत्रों के प्रति होता है लेकिन उस पुत्र के ऊपर विशेष होता है जो उनकी आज्ञा का पालन करता है। उसी प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला जो भक्त है वो भगवान को अधिक प्रिय होता है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो यह हो गया पिता की परिभाषा। आगे भगवान कहते हैं कि अहम अस्य जगतः माता मैं इस जगत की माता हूं। जीवों की अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जैसे जैसे शरीरों की आवश्यकता पड़ती है उस योनि में वैसे वैसे शरीरों को प्रदान करने वाली माता भगवान है। तो माता का काम क्या होता है? माता का काम होता है पुत्र को जन्म देना। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे कि मैं ही माता हूँ। तो माता का अर्थ क्या है कि जीव जो अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जाता है
तो उसे शरीर प्रदान करने का कार्य श्री कृष्ण करते हैं, इसलिए वो माता है। इस संसार में पिता अलग होता है, माता अलग होते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं दोनों भी हूं। और माता के बारे में, जैसे जन्म देने वाली माता तो बालक को दूध पिलाती है, परंतु वह माता नहीं जानती है कि उसके स्तनों में ठीक उसी समय दूध किस प्रकार से आता है जिस समय बालक को वह जन्म देती है। गाय भी माता है, परंतु गाय के स्तनों में भी श्री कृष्ण रूपी माता ही दूध उत्पन्न करती है। श्री कृष्ण रूपी माता ही सभी जीवों के लिए भोजन उत्पन्न करती है। जैसे हम लोग कहते हैं किसान तो अनाज उत्पन्न करता है, लेकिन वो किसके माध्यम से आ रहा है? वो भगवान श्री कृष्ण रूपी माता के रूप में ही वो उत्पन्न किया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस जगत के माता भी है। आगे कहते हैं भगवान, अहम अस्य जगत धाता, मैं इस जगत का धाता हूँ। धाता का अर्थ क्या है? इस संसार को सब तरह से भगवान ही धारण करते हैं, और संसार मात्र का जो कुछ विधान बनता है उस विधान को बनाने वाले भी भगवान ही है, इसलिए वह धाता है। धाता का अर्थ क्या है? तो भगवान धारण करते हैं, इस संसार को धारण किए हुए है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, गामाविश्च च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा, उष्णावे च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। किस प्रकार से भगवान धारण करते हैं? सर्वप्रथम बताते हैं, गामाविश्च च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा, कि मैं पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर लेता हूँ और सारी जीवात्माओं को उस गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से धारण करता हूँ। और कुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो उत्वार सात्मक, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो भी भगवान है, जिससे सारे फल शाक सब्जियां जिसमें भी जो रस उत्पन्न होता है वो चंद्रमा के प्रकाश, और वह भगवान कहते हैं कि वो मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से भगवान हमारे पालन करता है, रक्षक है, धारण करने वाले है, ऐसे है धाता। और अगला भगवान कहते हैं, अहम अस्य जगतः पितामह, मैं इस जगत का पितामह भी हूँ। अभी पितामह का अर्थ क्या होता है? जैसे मैंने बताया संस्कृत में अपने पिता के पिता को पितामह कहते हैं और अपने माता के पिता को मातामह कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं माता हूँ, पिता हूँ, धाता हूँ और उसके साथ साथ पितामह भी हूँ। हमें पता है कि ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि का सृजन करने वाले हैं, और इस दृष्टि से ब्रह्मा जी जो है वो इस प्रजा के पिता हुए, और वे ब्रह्मा जी भी भगवान से प्रकट होते हैं। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ब्रह्मा जी के पिता हुए भगवान और फिर प्रजा के हुए पितामह। भगवान से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी से आगे चलते जीवों की उत्पत्ति होती है। तो जीवों के पिता हो गए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पिता हो गए भगवान श्री कृष्ण, और जीवों का और भगवान में क्या संबंध आएगा कि जीवों के वो बन जाते हैं पितामह। तो ये तो है टेक्निकल दृष्टिकोण से कि ऐसे ही पितामह, लेकिन यदि प्रेम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पितामह के बारे में और भी कह सकते हैं कि पितामह अपने पौत्रों को पिता से भी अधिक स्नेह देते हैं तथा अपना समय भी प्रदान करते हैं। हमें पता है जब हम गांव जाया करते थे बचपन में, तो एक हमारे जो पिताजी के पिताजी मतलब पितामह थे, उनका एक होटल था और उसमें कई सारी चीजें रहा करती थी। तो जब हम जाते थे गांव में तो हमारे पिताजी मना करते थे, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन जो दादाजी थे वो सब कुछ करने के लिए हमें फ्रीडम देते थे, आप कुछ भी करो, ये करो, यहाँ बैठो, ये खाओ, जो करना है करो, तो अधिक स्नेह देते हैं। तो पितामह दादा जो है वो अपने पिताजी से अधिक स्नेह देते हैं और अधिक समय भी प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि दादाजी जो है वो एक दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं कि वो थोड़े रिटायर्ड होते हैं, पिताजी तो जॉब के लिए जाते हैं, ये करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उन्हें समय नहीं मिल पाता इतना, लेकिन दादाजी जो है वो बहुत अच्छे से समय अपने पोतों को दे भी सकते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ पर बता रहे कि वो पितामह भी है, मतलब वो पिता से भी अधिक स्नेह अपने बच्चों के ऊपर कर रहे हैं और अपना समय भी उन्हें प्रदान करते हैं। तो ये हो गया पितामह की परिभाषा।
आगे भगवान कहते हैं अहम एव वेद्यम। वेद्यम करता है कि जानने योग्य वस्तु, इस जगत में जानने योग्य वस्तु केवल भगवान ही है, केवल भगवान ही है जो जानने योग्य है, जानने योग्य वस्तु है। इसलिए श्रीमद् भागवत के भी प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही वर्णन आता है, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वेद्यम, वेद्य मतलब जानने योग्य, यह विज्ञान जो है वो जानने योग्य है, श्रीमद् भागवत जानने योग्य है, भगवान श्री कृष्ण ही जानने योग्य है। वेद्यम वास्तवम वस्तु, ये वास्तव वस्तु है जो जानने योग्य है। अत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, शिवदम मतलब ये हमें शुभत्व प्रदान कर सकती है और हमारा संसार का जो जन्म मृत्यु का चक्र है उसके बीच को निकाल सकता है, ऐसा है। ये भागवत का गुणगान किया गया है, भागवत में क्या दिया गया है कैसे बताए। लेकिन वेद्यम शब्द वहां पर भी आता है, वेद्य मतलब जानने योग्य। तो इस जगत में जानने योग्य वस्तु यदि कोई है तो वह है केवल भगवान श्री कृष्ण। और गीता के चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेन वृजिनं संतरिष्यसि। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई जीव पापी से भी अधिक पापी हो तो भी श्री कृष्ण के तत्व को जानकर वह दुखों के समुद्र को पार कर सकता है। श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान एक जलयान के समान है तथा यह भौतिक जगत कष्टों का समुद्र है। जिस प्रकार व्यक्ति जलयान के द्वारा समुद्र को आसानी से पार कर लेता है, मतलब जहाज से, उसी प्रकार जीव श्री कृष्ण के तत्व ज्ञान के द्वारा इस भौतिक जगत के कष्टों से भरे हुए समुद्र को पार कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान जो है उसकी तुलना एक नौका एक जहाज से की गई है और इस भौतिक संसार की तुलना एक समुद्र के साथ की गई है। तो जिस प्रकार समुद्र हम लोग आसानी से तैर कर या छोटी नाव में बैठकर पार नहीं कर सकते, उसके लिए बड़ा जहाज चाहिए, उसी प्रकार से इस भौतिक जगत के कष्टों का जो समुद्र है उसे पार करना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान रूपी जहाज का आश्रय लेना होगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अहम एव वेद्य, मैं ही केवल जानने योग्य वस्तु हूँ, क्योंकि अन्य बाकी वस्तुओं के बारे में जानेंगे तो वो वस्तु समाप्त तो हो जाएगी या फिर वो ज्ञान समाप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान के बारे में ऐसा कभी नहीं होता है, इसलिए वही एकमात्र जानने योग्य वस्तु है। अहम एव पवित्रम, भगवान पवित्र है, परम पवित्र है कि नहीं। और भगवान ही नहीं, भगवान के संबंध में जो कुछ है वो सब पवित्र है। इसलिए अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण को विभूति योग इस अध्याय में 10वें अध्याय में अनुमोदन देते हुए कहते कि आप कैसे पवित्र है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। परम अपरम ब्रह्म है, अपरम धाम है और पवित्रम परमं भवान, अपरम पवित्र सबसे अधिक पवित्र आप है भगवान, आपका रूप पवित्र है, आपका मंगल है, आपका नाम पवित्र है, सब कुछ आपसे संबंधित जो भी वस्तु है वह सब पवित्र है और बद्ध जीवों को पवित्र बनाने वाली है। इसलिए हरि भक्ति विलास या गरुड़ पुराण में श्लोक का वर्णन आता है कि भगवान कितने पवित्र है कि उनका स्मरण भी कोई करता है तो वह व्यक्ति भी पवित्र बन जाता है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तर शुचिः। ओम अपवित्र पवित्र वा, कोई व्यक्ति कितना भी अपवित्र हो या कितना पवित्र भी क्यों न हो, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, किसी भी अवस्था में वह व्यक्ति क्यों न हो, यह स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं, जो भगवान पुण्डरीकाक्ष इनका स्मरण करता है, सह बाह्य अभ्यंतर शुचिः, वो अंदर बाहर से शुद्ध हो जाता है। तो भगवान का स्मरण मात्र से कोई व्यक्ति पवित्र हो सकता है, इतने पवित्र है भगवान। इसलिए भगवान कहते हैं अहम एव पवित्रम, मैं ही सबसे अधिक जो है वो पवित्र हूं। अहम एव ओंकार, भगवान कहते हैं कि प्रणव या जो ओंकार है वह उनका ही स्वरूप है। केवल जो है वो ओंकार जो है वो निर्विशेष स्वरूप है, निराकार स्वरूप है भगवान का, लेकिन भगवान का जो दिव्य नाम है हरे कृष्ण महामंत्र जिसका हम लोग जप करते हैं,
वो भी भगवान का ही स्वरूप है। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान श्री कृष्ण नाम में अवतरित हुए कलियुग के लिए। तो ये ओमकार भी जो है वो इस संसार में हम लोग देखते हैं भगवान का ही प्रतीक है। इसलिए गीता में भी भगवान कहे है ना, सातवें अध्याय के आठवें श्लोक में, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषो। आठ नौ दस ग्यारह सातवें अध्याय में श्लोक में, इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण एक प्रकार से उनके विभूतियों के बारे में ही बता रहे हैं कि कहां पर किस में वो क्या है। तो यहाँ पर जो भगवान हम लोग देख रहे हैं कि लाल अक्षरों में इंगित किया हुआ ओमकार ऊपर और नीचे प्रणव, प्रणवकार तभी ओमकार होता है। प्रणव सर्व वेदेशु, सारे वेदों में प्रणव यानी ओमकार मैं हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ये हो गया ओमकार के बारे में। और अहम एव ऋग साम यजुहु च, और मैं ही ऋग्वेद हूँ सामवेद। कृतु यज्ञ जो हमने देखा ना, कृतु और यज्ञ उन विधि, उनकी विधि बताने वाले ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद, ये जो है वो तीनों वेद है। तो आपको लग रहा होगा वेद तो चार है, कौन से है? अथर्ववेद यहाँ एक छूट गया, कौन सा छूट गया है? अथर्ववेद, हाँ ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये अथर्ववेद चौथा वेद। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे कि रुक्साम यजुरे बचा। और इतना ही नहीं, आगे भी 20-21 श्लोकों में हम लोग देखेंगे त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा। त्रैविद्या मतलब तीन विद्याएं, मतलब तीन वेदों के बारे में वो कहते हैं कि ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद। जब भी तीन वेदों का वर्णन आता है ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, तो उसमें अथर्ववेद की गणना नहीं होती है। तो ये प्रश्न उपस्थित होगा क्यों नहीं होती है? तो क्योंकि अथर्व में जो है वो लौकिक विद्याओं का वर्णन होने के कारण उसका नाम नहीं लिया गया है। लौकिक विद्या मतलब घर कैसे बनाना, विमान कैसे बनाया जाता है, हालांकि वो वेद ही है, वैदिक अंगों के दृष्टिकोण से, लेकिन केवल लौकिक है। इसलिए जो है वो अथर्व वेद का नाम इसमें गणना नहीं किया जाता है। तो ये हो गया हमारा, ये दूसरा श्लोक भी शायद पूरा हो जाता है। जी हाँ, तो आज हमने दो श्लोक देखे, 16 और 17। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। तो हमने इस श्लोक में 8 चीजों के बारे में देखा कि भगवान कहते हैं कि कृतुमय हूँ, मतलब कृतु का अर्थ होता है जो वेदों में या श्रुति में वर्णित होते हैं, यज्ञ करता है जो पुराणों में और स्मृति में होते हैं। तीसरा हमने देखा स्वधा, स्वधा करते हैं पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं, भगवान कहते हैं वो भी मैं हूँ। औषध मतलब कृतु, यज्ञ करते समय जो जड़ी बूटियां वनस्पति तिल जौ आदि यूज होते हैं उन्हें औषध कहा जाता है। मंत्रोच्चार भी होता है, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ। आज्य मतलब गो घृत, वो भी मैं हूँ। अग्नि हमने देखा आहवनीय अग्नि जिसमें होम होता है, वो भी मैं हूँ। और हुतम मतलब हवन करने की प्रक्रिया, भगवान कहते हैं कि वो भी मैं ही हूँ। और 17वां श्लोक भी हमने आज देखा, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। तो अहम अस्य जगत, भगवान कहते हैं मैं इस जगत का कौन हूँ? पिता हूँ। तो पिता में भी हमने देखा दो मुद्दे आते हैं, एक तो जन्मदाता सारी चर अचर सृष्टि के जन्मदाता, और दूसरा मुद्दा है कि जैसे पिता अपने सारे पुत्रों के प्रति स्नेह करता है, उसी प्रकार से भगवान भी अपने सारे जीवों के प्रति बहुत अधिक स्नेह करते हैं। किंतु पिता का स्नेह उस पुत्र की तरफ अधिक होता है जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, उसी प्रकार से भगवान का अपने भक्तों के प्रति स्नेह कुछ विशेष होता है। अगला हमने देखा माता, भगवान माता भी है, माता जैसे जन्म देती है, माता अपने बच्चों के ऊपर स्नेह करती है, अपने बच्चों के अपराधों को क्षमा भी करती है, इसलिए भगवान भी अपने बच्चों के जीवात्माओं के अपराधों को क्षमा भी जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा माता, और सब कुछ खिलाना पिलाने की व्यवस्था भी भगवान हमारी करते हैं। धाता, धाता का अर्थ हमने देखा धारण करने वाले हैं, और किस प्रकार से पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से हमें धारण करते हैं, चंद्र और सूर्यमा में प्रकाश और दाहकता शक्ति के माध्यम से जीवों का जो है वो धारण करते हैं। अगला हमने देखा पितामह, पितामह कैसे है? ब्रह्मा जी के पिता भगवान है,
इसलिए हमारे जीवों के बन जाते हो पितामह। और दूसरा मुद्दा हमने देखा पितामह में कि पिता से भी अधिक जो है पितामह स्नेह देते हैं अपने पौत्रों को और समय भी प्रदान करते हैं। अगला भगवान कहते हैं कि अहम एव मैं ही हूँ, क्या हूँ वेद्य, मतलब जगत में जानने योग्य वस्तु का भगवान ही है। और हमने उदाहरण देखा कि जैसे समुद्र को पार करना है तो बड़ा जलयान चाहिए, उसी प्रकार से इस भौतिक जगत के कष्टों के समुद्र को यदि पार करना है तो जलयान है भगवान कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान। भगवान परम पवित्र है, अर्जुन ने भी इसकी पुष्टि की है, परमम परम धाम परम ब्रह्म पवित्रम परमम भगवान 10वें अध्याय में। और इतना ही नहीं, भगवान का जो कोई स्मरण करता है वह व्यक्ति भी पवित्र बन जाता है, यह हमने हरिभक्ति विलास और गरुड़ पुराण का एक श्लोक देखा था। और ओमकार भगवान ही ओमकार है, प्रणव जो है वो भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। प्रणव सर्व वेदेशु शब्द खे पौरुषम, हमने उसकी भी चर्चा की थी। और उसमें यह भी देखा कि भगवान का नाम तो वास्तव में देखा जाए तो ओमकार से भी श्रेष्ठ है। और आखिरी मुद्दा भगवान ने बताया कि ऋक्साम यजुर्वेद, भगवान जो है वो ये जो यज्ञ क्रतु आदि इन सब की विधि बताने वाले जो ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद है, ये तीनों वेद है वो भगवान के ही स्वरूप है। और अथर्ववेद का नाम नहीं लिया जाता क्योंकि उसमें खास करके ज्यादातर लौकिक विद्याओं के बारे में वर्णन पाया जाता है, इसलिए उसका वर्णन जो है वो नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त हो जाता है। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।